नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स एंड फ्लूड मशीनरी के वीडियो सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 5 ओरिफिस एंड माउथ पीस के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ओरिफिस क्या होता है और किस प्रकार के ओरिफिस हो सकते हैं। बेसिकली ओरिफिस का काम क्या है, कोई भी टंकी है उससे पानी या कोई भी द्रव भरा हुआ है उसको बाहर निकालना है, तो उस टंकी में छिद्र बना दिया जाता है, एक ओपनिंग बना दिया जाता है ना, उसी को हम लोग ओरिफिस कहते हैं। तो किसी भी टंकी में एक ओरिफिस बना हुआ है और उस टंकी में द्रव भरा हुआ है और उस छिद्र से द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो किस तरीके से ओरिफिस से द्रव का प्रवाह होता है ना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर में। तो आज का टॉपिक है फ्लो थ्रू एंड ओरिफिस। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना, एक टैंक है, दिस इज टैंक, टंकी है जिसमें ये लिक्विड फिलअप है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, दिस इज लिक्विड, वाटर भी हो सकता है या कोई अदर लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पूरा टैंक में भरा हुआ है, इस टैंक से इस फ्लूइड को या लिक्विड को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक शार्प एज, मान लो हमने शार्प एज ओरिफिस यहाँ पे एक छिद्र बना दिया गया है इस तरीके से, ये ओरिफिस है, दिस इज ओरिफिस, द्वारक है, और यहाँ से जब हमने द्वारक बना दिया है तो इसका जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द ओरिफिस, तो सेंटर से ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसका हाइट कितना है, एच है, मान लो एच मान लेते हैं कि एच ऊंचाई तक ये क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, किसके कहाँ से हम एच ले रहे हैं, ये ओरिफिस के सेंटर से, और ये ओरिफिस का जो डेप्थ है ये भी हमें पता रहता है, मान लो D1 है। ठीक है, तो इस ओरिफिस से ये जब फ्लूइड, देखे जब हमने कोई छेद कर दिया है तो फ्लूइड जो है इस पैटर्न में ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, जब ये छिद्र से ये फ्लूइड बाहर निकलता है, तो किसी भी छिद्र से जब फ्लूइड बाहर निकलता है तो एक धारा या जेट की तरह वो निकलता है, जेट मतलब एक पतली धारा, जेट की तरह ये बाहर निकलता है, ये जेट फॉर्म होता है, ये क्या फॉर्म हुआ, जेट ऑफ लिक्विड है ना, जो छिद्र से जो पानी निकल रहा है, वाटर लिक्विड निकल रहा है, उसका एक जेट यहाँ पे फॉर्म होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी छिद्र से जब आप लिक्विड को फ्लो कराना है एज अ जेट, तो ये छिद्र का जो डायमीटर रहता है, जितना भी एरिया रहता है उतने ही एरिया का ये जेट नहीं निकलता है ना, ये जो जेट निकलता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा कम होता है। ये ऐसा होता ही है कि किसी छिद्र से अगर हम जेट के फॉर्म में कोई फ्लूइड को फ्लो करा रहे हैं तो छिद्र का जो एरिया है उससे कम एरिया का जेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कम क्रॉस सेक्शन एरिया का, कम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आपको जेट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन आता है ना जहाँ पे सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक इस जेट में एक ऐसा सेक्शन होता है, ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इस जेट का। ठीक है, और ये नॉर्मली देखा गया है कि ये जेट जिसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ओरिफिस से कितने डिस्टेंस पे होता है, ये ओरिफिस के डायमीटर के हाफ, मान लो ये D1 है तो D1 के हाफ के डिस्टेंस से ये मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिलता है। ठीक है, ये जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट कहा जाता है। याद रखिए वेना कॉन्ट्रैक्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वेना कॉन्ट्रैक्टा कौन सा पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, टॉपिक है वेना कॉन्ट्रैक्टा।
संकुचन बिंदु आप इसको बोल सकते हो, तो इस पॉइंट पे क्या होता है वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट पे, सबसे पहली बात तो है कि ये फ्लूइड जो है ना उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आपको मिलता है। जब ये जेट बाहर निकल रहे हैं तो इसका जो जेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एकदम कम होते जाता है और यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टर पे सबसे कम होता है। ठीक है, तो या इस पॉइंट पे क्या होता है एरिया ऑफ जेट एट दिस पॉइंट इज मिनिमम, सबसे कम होता है, पहली बात तो ये। तो जेट का वह पॉइंट जहाँ पे मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो जेट का, उस पॉइंट को हम वेना कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। दूसरी बात, ये ओरिफिस से कितने डिस्टेंस पे है, D1/2, मतलब ओरिफिस का जो डायमीटर है उससे उसके आधी दूरी पर ही वो सेक्शन आपको प्राप्त होता है। हमेशा ये होता है किसी भी छिद्र से पानी बाहर हो रहा हो। तो दूसरी बात क्या है, दिस सेक्शन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ हाफ ऑफ ओरिफिस डायमीटर, ओरिफिस डायमीटर के आधी दूरी, आधी के बराबर दूरी पर ये होता है ओरिफिस से। ठीक है, तीसरी पॉइंट क्या है वेना कॉन्ट्रैक्टर के लिए, है ना, यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है इस सेक्शन पे, है ना, इसमें जो भी लाइन है स्ट्रीम लाइन फ्लो है, प्रत्येक धारा एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है ना, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट मतलब ये जो वाल का सरफेस है या ओरिफिस का जो सरफेस है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो तीसरी बात क्या है, एट दिस सेक्शन स्ट्रीम लाइन लाइंस ऑफ फ्लूइड आर पैरेलल टू इच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ओरिफिस प्लेन, है ना, ओरिफिस का जो प्लेन है ओरिफिस से वॉल से परपेंडिकुलर ये होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट वेना कॉन्ट्रैक्टर है। मान लो इस पॉइंट को हम लोग सी सी से डिनोट कर रहे हैं, सी सी इज द वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट या वेना कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन। अब ये ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है वेना कॉन्ट्रैक्टर या संकुचन बिंदु प्राप्त होने का। ठीक है, तो फ्लूइड की एक प्रवृत्ति होती है कि जब उसे किसी छिद्र से बाहर प्रवाहित किया जाता है, या केवल छिद्र से ही नहीं कोई भी पाइप है, ऐसा बेंड पाइप आपके पास है, ठीक है, और इस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड की प्रकृति होती है कि वो जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में या जिस पाथ में वो फ्लो हो रहा है उस पाथ को वो उसी पाथ में बह नहीं सकता है, है ना, जैसे छिद्र है तो एक जो भी एरिया होगा इसी एरिया में वो फ्लो नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है, वो संकुचित हो जाता है ना, अचानक इसका एरिया चेंज होने के कारण। ठीक है, तो ये उस एरिया को फॉलो नहीं कर पाता जिसके कारण वो क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है और मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, या मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हमें प्राप्त होता है उसके प्रवाह का। ठीक है, तो जिसके कारण वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट जो है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये वेना कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है इस जेट का, तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पहली बात है ना, तो यहाँ पे आप मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, वेलोसिटी भी मिनिमम हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे हम ओरिफिस से जो
फ्लो हो रहा है, इसका एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो पॉइंट एज्यूम करते हैं। एक पॉइंट टंकी के अंदर ले लेते हैं, यानी इनसाइड द टैंक, ये पॉइंट वन हो गया। और एक पॉइंट हम लोग लेते हैं वेना कॉन्ट्रेक्टा पे, दिस इज पॉइंट टू, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, बर्नौली का इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब आप बर्नौली का इक्वेशन को अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एजम्पशन हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो है फ्लो क्या होना चाहिए, स्टडी फ्लो होना चाहिए, पहली बात ये ले रहे हैं, स्टडी फ्लो है। तो स्टडी फ्लो का मतलब क्या है कि जब ये फ्लो हो रहा है वाटर या लिक्विड, तो उसके प्रत्येक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे एट अ टाइम कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे एट अ टाइम, मतलब किसी निश्चित समय पे किसी निश्चित बिंदु पे वेलोसिटी जो है इसका, वेग प्रवाह का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो पॉइंट टू पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो हमेशा एक ही वेलोसिटी रहेगा। पॉइंट वन पे मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो पूरे समय के लिए एक ही रहेगा, है ना। तो ये क्या है, स्टडी फ्लो है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ है टैंकी में वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट हेड है, लिक्विड इन टैंक। ये दूसरी बात ये ध्यान रखना है जब आप ऑरिफिस का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे ये हेड आपको मिला है, एच इज द वाटर हेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस टू फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो ये हमेशा जब ये पानी यहाँ से बाहर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेवल जो है नीचे आएगा, लेकिन आपको ये नीचे लेवल नहीं रखना है, इसको हमेशा कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे हम, एक एक्सटर्नल सप्लाई यहाँ पे देंगे, है ना, नल से या किसी और डिवाइस से, है ना, ताकि यहाँ पे ये जितना डिस्चार्ज हो रहा है उतना पानी यहाँ पे वापस भर जाए। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, कांस्टेंट एच आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। अब क्या करना है, पॉइंट वन हमने लिया हुआ है टंकी के अंदर और एक पॉइंट टू लिया है टंकी के बाहर। कंसीडर टू पॉइंट्स वन एंड टू, वन एट इनसाइड द टैंक, टंकी के अंदर, एंड सेकेंड पॉइंट एट द वेना कॉन्ट्रेक्टर, जहाँ पे वेना कॉन्ट्रेक्टर पॉइंट है वहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट लेना है, ठीक है। क्या करना है, बाय अप्लाइंग बर्नौलीस इक्वेशन, दोनों पॉइंट पे बर्नौली के थ्योरी को आपको अप्लाई करना है, हमें क्या मिलेगा, पी वन अपान रो जी, ये होता है प्रेशर हेड पॉइंट वन पे, वी वन स्क्वायर अपान टू जी, वी वन उस पॉइंट पे वेलोसिटी है, है ना, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक हेड, और जेड वन ये डेटम हेड है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉइंट टू पे प्रेशर हेड पी टू अपान रो जी प्लस वी टू का स्क्वायर अपान टू जी प्लस जेड टू, दिस इज बर्नौली इक्वेशन एट पॉइंट वन एंड टू, ठीक है। अब पॉइंट ऑन वन और टू क्या है, डेटम लाइन से एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो डेटम हेड क्या हो जाएगा, डेटम हेड जेड वन इज इक्वल टू जेड टू हो जाएगा, एक ही लाइन पे है तो, है ना, ये चीज होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पी वन अपान रो जी, तो पी वन अपान रो जी क्या है, देखिए डायग्राम से आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर हेड क्या होगा, पी वन अपान रो जी इज प्रेशर हेड एट पॉइंट वन, तो ये पी वन अपान रो जी क्या होता है, इसके जितना पानी भरा हो उसके गहराई के बराबर होता है, मतलब एज गहराई तक पानी भरा है, तो पी वन अपान रो जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच जो हेड है। वी वन का मान क्या होगा, वी वन टंकी के अंदर,
वेलोसिटी पॉइंट वन पे, तो वी वन का मान क्या है, जो जेट का वेलोसिटी उससे बहुत कम है, तो इट कैन बी निगलेक्ट। टंकी के अंदर जो पानी का प्रवाह है बहुत ही कम होगा, इसलिए हम इस वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हो कि वी वन का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, वैसे ही पी टू अपान रो जी क्या होगा, जब धारा बाहर आ गया वाना कॉन्ट्रेक्टर पे, तो इस पॉइंट टू पे बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस वैल्यू का हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू हम प्रेशर की ले रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेस मान के लिया जाता है, इसलिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, इसलिए ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। और वैसे ही वी टू हमें क्या करना है, वेना कॉन्ट्रेक्टर पे ये पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी एट सी सी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, एच प्लस जीरो, ये जेड वन जेड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्रेशर भी जीरो, वी टू का स्क्वायर अपॉन टू जी। फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वी टू इज इक्वल टू टू जी एच। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू ओरिफिस एट द पॉइंट ऑफ वेना कॉन्ट्रेक्टर। दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी, सॉरी दिस इज थियोरेटिकल वेलोसिटी, एट पॉइंट सी सी है, जो वेना कॉन्ट्रेक्टर पॉइंट है वहां पे जो भी धारा प्रवाह हो रहा है उसका एक सैद्धांतिक वेलोसिटी, दिस इज सैद्धांतिक वेग है ना, थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, हम एक्चुअल वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो एक्चुअल या वास्तविक ये क्या है, सैद्धांतिक वेलोसिटी। वास्तविक वेग अगर आप निकालना चाहेंगे, वास्तविक वेग क्या होगा, तो वास्तविक वेग का मान हमेशा क्या होगा, ये एक्चुअल वेग से कम होगा है ना, वेलोसिटी एक्चुअल इज लेस देन वेलोसिटी थ्योरेटिकल। ठीक है, तो एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कोफिशियंट ऑफ वेलोसिटी सीवी का यूज करना पड़ेगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फॉर एक्चुअल वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लो ओरिफिस का जो एरिया है ए वन मान लेते, दिस इज द एरिया ऑफ ओरिफिस एंड ए टू इज द एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रेक्टर पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या निकालने वाले हैं, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज भी दो तरीके से होगा, एक सैद्धांतिक डिस्चार्ज होगा, सैद्धांतिक विसर्जन, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज या फ्लो रेट इसको आप बोल सकते हैं। तो सैद्धांतिक डिस्चार्ज क्यू टी एच ये क्या हो जाएगा, है ना, थ्योरेटिकल एरिया होगा, थ्योरेटिकल एरिया इंटू थ्योरेटिकल वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यू टी एच निकालने के लिए आपको थ्योरेटिकल एरिया क्या लेना पड़ेगा, ओरिफिस का एरिया, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट है इक्वेशन से, ये वैल्यू आप लेके थ्योरेटिकल डिस्चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही आपको एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए, एक्चुअल डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस आपको निकालना है, वास्तविक विसर्जन तो वास्तविक विसर्जन क्यू एक्चुअल निकालने के लिए आपको एक्चुअल एरिया इंटू एक्चुअल वेलोसिटी लेना पड़ेगा, एक्चुअल एरिया कौन सा पॉइंट है, वेना कॉन्ट्रेक्टर पे ए टू का एरिया है ना, और वेलोसिटी एक्चुअल हमें पता रहेगा, तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल डिस्चार्ज सैद्धांतिक विसर्जन के लिए। ठीक है,
अब यहाँ पे ए टू का मान हमें पता नहीं रहता है क्योंकि वेना कॉन्ट्रैक्टा का क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ज्ञात करना मुश्किल है, इसलिए हम क्यू एक्चुअल या वास्तविक विसर्जन निकालने के लिए हम डिस्चार्ज कोफिशियंट का यूज करते हैं, और क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू होता है सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्चुअल डिस्चार्ज, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, आगे के लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।